प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि पद्माकर की आगे की व्याख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, 3 तक हो चुकी थी, चौथी व्याख्या देखते हैं। आई हो खेलन फाग इहां वृषभानुपुरी ते सखी संग लीने त्यों पद्माकर गावती गीत रिझावती हाव बताई नवीने। कंचन की पिचकी कर में लिए केसरी के रंग सो अंग भीने। छोटी सी छाती छुटी अलके अति बैस की छोटी बड़ी पर बीने। आई हो खेलन फाग, फाग यानी कि होली, फागुन के महीने में आती है, इसलिए फाग का अर्थ है होली। होली के दिन आई हो खेलन, मैं खेलने के लिए आई, अर्थात यहाँ पर जो राधा है वह वृषभानुपुरी, वृषभानु की नगरी अर्थात अपने पिता की नगरी बरसाना से, सखी संग सखियों को साथ में लेकर के। राधा वृषभानु की पुत्री बरसाना से अपनी सखियों को साथ में लेकर के और होली खेलने के लिए आती है गोकुल गांव में। त्यों पद्माकर, पद्माकर कवि कहते हैं कि अपनी सखियों के साथ में राधा गावती गीत, गीत गाती हुई सब रिझावती, सबको रिझाते हुए प्रसन्न करते हुए हाव बताई नवीने, नवीने नए नए हाव भाव व्यक्त करती हुई दिखाती हुई जो राधा है वह बरसाना से गोकुल गांव में होली पे अपनी सखियों के साथ में होली खेलने के लिए आती है। कंचन की पिचकी कर में लिए केसरी के रंग सो अंग भीने। कंचन सोने की, पिचकी पिचकारी, कर में लिए हाथ में लिए हुए, केसर के रंग सो अंग भीने, अंग उनके शरीर के जो अंग है वो भीने भीगे हुए थे, केसरी के रंग केसर के रंग के समान, उनके जो होली खेलने से राधा और उनकी सखियों के अंग भीगे हुए थे रंग से और वे केसर के रंग के समान कांति युक्त लग रही थी। छोटी सी छाती छुटी अलके, छोटी सी छाती अभी पूर्ण रूप से उनकी यौवनावस्था नहीं आई थी और छोटी अलके, अलके बाल, बालों की लटे अर्थात बाल उनके इधर उधर चेहरे के ऊपर बिखरे हुए थे। अति बैस, अति अत्यंत, बैस अर्थात आयु में छोटी वह छोटी थी राधा, पर बड़ी परवीन, लेकिन अत्यंत थी वह परवीन, प्रवीण कुशल थी, चतुर थी। जो राधा थी वह आयु में अत्यंत थी छोटी थी, लेकिन बड़ी वह चतुर थी। इसमें जो राधा है वह अपनी सखियों के साथ में होली के ऊपर और बरसाना से गोकुल गांव में सोने की पिचकारी लेकर और होली खेलने के लिए आती है। उसकी उम्र हालांकि बहुत ही उसकी छोटी है, लेकिन वह बड़ी ही चतुर है, बड़ी कुशल है। इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगली है, सीज ब्रज चंद पे चली यो मुख चंद जाको, चंद चांदनी को मुख मंद सो करत जात, कहे पद्माकर त्यों सहज सुगंध ही के, पुंज बन कुंजन में कंज से भरत जात, धरत जहाई जहां पग है प्यारी तहां, मंजुल मजीठ ही के माठ से ढरत जात, बारन ते हीरा सेत सारी की किनारन ते, हारन ते मुक्ता हजारन झरत जात। यहाँ पर जो राधा है वह सीज लक्ष्य बनाकर,
ब्रज चंद, ब्रज के चंद्रमा स्वरूप अर्थात श्री कृष्ण को लक्ष्य बनाकर वह घर से निकलती है। यो मुख चंद जां को, जिसका मुख चंद्रमा के समान है। चंद चांदनी को, और चंद चंद्रमा की, चांदनी चांदनी को भी मुख, उसकी मुख की जो कांति है वह मंद सो करत जात, मंद कर देने वाली है। अर्थात जो राधा है वह श्री कृष्ण को लक्ष्य बनाकर निकलती है घर से, तो उसके मुख की कांति इतनी है, आभा इतनी है कि वह चंद्रमा की चांदनी को भी फीका कर रही थी। यहाँ पर जो राधा है उसके सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। कहे पद्माकर, पद्माकर कवि कहते हैं कि त्यों सहज सुगंध ही के, और राधा के शरीर की जो सुगंध है उससे ऐसा लगता है पुंज समूह वन वनों में, कुंजन में, वनों में और कुंजों में कंज से कमल के समान भरत जात बिखेर रहे थे। यानी कि राधा के शरीर की इतनी और इतनी अच्छी सुगंध थी कि जिस रास्ते से वह गुजर रही थी वनों से और कुंजों से, तो ऐसा लग रहा था मानो जो कमल है उनकी सुगंध बिखर रही हो, इतना सुगंधित राधा का शरीर था। धरत जहाँ जहाँ पग है प्यारी तहाँ, धरत धर रही थी अर्थात रख रही थी, जहाँ 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 पग अपने पैर, प्यारी जो प्यारी राधा है वह, प्रिय राधा जहाँ जहाँ पर अपने पैर रख रही थी, मंजुल मजीठ गहरा लाल रंग, माठ से गहरे लाल रंग के माठ घड़े मटके धरत जात बिखर रहे थे। जो राधा के पैरों की लालिमा थी, जो महावर उसने लगा रखा था, जहाँ जहाँ वह पैर रख रही थी उससे ऐसा लग रहा था मानो लाल रंग के घड़े बिखर रहे हो, इतनी लालिमा थी राधा के पैरों में, या राधा के पैरों का लाल रंग था। और जो गहरे लाल रंग का पदार्थ लगा रखा था उसने अपने पैरों में, महावर लगा रखा था उससे भी। बारन ते हीरा सेत सारी की किनारन ते, सारी साड़ी की, किनारन किनारी, उसकी साड़ी की किनारी जहाँ जहाँ टिक रही थी उसमें जो हीरे आदि लगे हुए थे उनकी परछाया से जैसे मानो बहुत से हीरे जमीन पर बिखर रहे हो। और हारन ते जो गले में उसने हार पहन रखा था मुक्ता मोतियों का, उससे ऐसा लग रहा था मानो हजारन झरत जात, हजारों की संख्या में हीरे और मोती जमीन पर बिखर रहे हो। यहाँ पर अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है और राधा के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। अगला है, झीलत जखोर रहे जो जोवन को जोर रहे, समद मरोर रहे सोर रहे तब सो, कहे पद्माकर तकेयन के मेह रहे, नेह रहे नन नन मेह रहे तब सो, कहे पद्माकर तकेयन के मेह रहे, नेह रहे नन नन मेह रहे दब सो, बाजत सुबेन रहे उन मद नैन रहे, चित्त में न चैन रहे चात की के रब सो, गेह में न नाथ रहे द्वारे ब्रज नाथ रहे, कोलो मन हाथ रहे साथ रहे सब सो। यहाँ पर जो नायिका है वह विरहणी है और
वह अपने मन के जो भाव है वह व्यक्त करती हुई कहती है कि झिलत जखोर रहे, मैं तेज हवा के झोंकों को सहन करती रहूं। कि विरह के समय में मैं तेज हवा के झोंकों को सहन करती रहूं, इतनी मुझमें शक्ति हो। जीवन को जौवन को जो रहे और यौवन का उन्माद भी मुझमें बना रहे। समद मरो रहे और मेरा जो मान है स्वाभिमान है वह भी बना रहे। शोर रहे तब सों और बादलों का शोर भी बना रहे। वर्षा ऋतु का जो सुंदर वातावरण है वह भी बना रहे। कहे पद्माकर, पद्माकर कवि कहते हैं कि वह आगे कहती है कि तकेयन छोटे उपवनों में रहे बरसात भी होती रहे। छोटे छोटे जो उपवन है, बाग बगीचे हैं, उनमें बारिश होती रहे ताकि वे हरे भरे रहे। नेह रहे नैनन और मेरे नेत्रों में प्रेम भी बना रहे। न मेह रहे दव सो दव और दावाग्नि से मैं जल न जाऊं। बाजत सुबेन रहे और बांसुरी की सुंदर ध्वनि हमेशा मुझे सुनने को मिलती रहे। उन्मद नैन रहे और मेरे नेत्रों में उन्माद भी बना रहे। प्रिय से मिलने की जो इच्छा है वह भी बनी रहे। चित्त में न चैन रहे और चित्त में मेरे मन में चैन न रहे। चातकी के रब सो और चातकी पक्षी के स्वर से मेरे चित्त में चैन न रहे और मैं हमेशा मधुर ध्वनि सुनती रहूं। अर्थात वह मुझे प्रिय की याद दिलाती रहे, जो चातकी का मीठा स्वर है वह, और मैं अपने प्रिय की मिलने की आशा में हमेशा उनका इंतजार या प्रतीक्षा करती रहूं। गेह में नाथ रहे और घर में प्रिय नहीं है। द्वारे ब्रजनाथ रहे और दरवाजे पर हमेशा जो ब्रजनाथ है वे रहे। कोलो मन हाथ रहे और मेरा जो मन है वह भी मेरे वश में नहीं है। साथ रहे सब सो और सब साथ है लेकिन फिर भी मेरा मन वश में नहीं है। अर्थात मेरा मन बार बार कृष्ण से मिलना चाहता है। यहाँ पर जो विरहिणी नायिका है वह अपने प्रिय से मिलना चाहती है और वह विरहिणी है और इसमें विरह का वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार है। धन्यवाद।